कौन हूँ। इनकी तो मेमोरी टेप बोल गई। अरे भभूति जी की यादाश्त चली गई है भाभी जी। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप ये? अरे विभू पता तिवारी जी मुझसे क्या कह रहे थे कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। ये झूठे एक नंबर के, he's a liar। बताओ अंगूरी जी को मेरे बारे में। आप कौन है बहन जी? आई एम योर वाइफ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? भभूति जी इस वक्त कहाँ है? अंदर अपनी याददाश्त से जंग लड़ रहा है। आप भगवान से कहिए वो सब ठीक कर देगा। अरे भगवान तो ठीक कर देगा लेकिन ये डॉक्टर कुछ करेगा कि नहीं? भाभी जी डॉक्टर तो तब कुछ कर पाएगा जब हम उसे कुछ करने देंगे। हेलो जेंटलमैन, कैसा फील कर रहे हैं आप? कौन है आप? हम एक इंसान हैं और इस वक्त आप हमारे घर में। मैं आपके घर में क्या कर रहा हूँ? आप हमारे घर में आराम फरमा रहे हैं। ये आपका घर है या होटल है? जेंटलमैन आप इसे होटल कह सकते हैं, आप इसे आश्रम भी कह सकते हैं। वैसे ये एक सराय है जहाँ आप जैसे भूले भटके लोग आते हैं जिनकी याददाश्त चली जाती है। तो आप कुल मिलाकर यूँ समझ लीजिए जेंटलमैन कि आप भूले भटके हुए यहाँ आए हैं। आपके आइडिया से क्या लगता है आपको कि मैं कहाँ से भटका हुआ आया हूँगा? देखो जेंटलमैन आपके फेस को देखकर तो कुछ ऐसा सा लग रहा है जैसे शायद आप शिकारपुर की तरफ के हैं। ये कौन सी जगह है? ये बैंकॉक है। बैंकॉक कहाँ है? बिहार में। और शिकारपुर कहाँ है? कोलालमपुर में। कोलालमपुर कहाँ है? रामपुर में। रामपुर कहाँ है? अरे सारा भूगोल हम ही से जान लोगे यार। ऐसा है चुपके से यहाँ से निकल लो, हमने तुम्हारा शिकारपुर जाने का प्रबंध कर दिया है। भैया थैंक यू भैया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान तो तुम मुझ पर करोगे यहाँ से जाकर। बड़ा कंफ्यूजन है यार, एक गोरी औरत ऊपर लेके आती है बेडरूम में और एक भद्दा सा आदमी नीचे लेके जाता है। I don't know, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। आप कौन है? मैं एक इंसान हूँ। वेरी फनी, शक्ल से भी आप इंसान ही लग रहे हैं। आप भी ऐसा हैवान लग रहे हैं। जी इंसान ही लग रहे हैं। चले कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। विभू विभू विभू, अरे हे भगवान कहाँ ढूंढू, कहाँ चला गया विभू? का होगा गोरी मैम, का इतनी परेशान हो? अरे हप्पू सिंह जी विभू कहीं नजर नहीं आ रहा, आपने देखा क्या? हम तो आपको देखते हैं। क्या कहा आपने? ना ना अब हमा मतलब जो है गोरी मैम के हमारी नजरें जो है वो औरतों पे रहती हैं, उनकी सुरक्षा के लाने। लौंडा लपाड़ियन को का बिगड़ने ससुरो। फालतू की बकवास मत कीजिए और विभू को ढूंढिए, प्लीज ढूंढिए ना। अरे गोरी मैम आप इतनी चिंता काहे को कर रही हो? अरे भैया विभूति कोई छोटे बच्चा थोड़ी है जो ऐसे बिलबिला के मोहल्ले में गुम हो जाएंगे। एक्चुअली विभू एक छोटा सा बच्चा ही हो गया है। क्या बात कर रही हो गोरी मैम? वो एक्चुअली हुआ क्या कि विभू तिवारी जी के घर गया, वहां पर अंगूरी जी हथौड़े से कुछ काम कर रही थी, गलती से उनके हाथ से हथौड़ा गिरकर विभू के सर पे लग गया। जब से उसके सर पे हथौड़ा लगा है ना, उसकी याददाश्त ही चली गई। भैया विभूति की याददाश्त चली गई, मतलब उनकी याददाश्त की बैटरी बुझ गई। और आप इस बात पे क्यों जश्न मना रहे हैं, मैं जान सकती हूँ? नहीं नहीं अरे गोरी मैम हमें तो ससुरो धक्का सु लग गए, एकदम शौक लगो ऐसो कि मतलब भैया विभूति ने जो कौन सा ससुर तोता पाल ला हुआ है। और उनकी तो छोड़ो, अब आपकी भरी जवानी ऐसे भुलक्कड़ के साथ में कैसे कटेगी? प्लीज मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप जाइए, विभू को ढूंढिए। बिल्कुल बिल्कुल ढूंढेंगे गोरी मैम, कहाँ नहीं ढूंढेंगे, हम तो ढूंढेंगे। हाँ अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं, जाइए ना। हाँ हाँ जा रहे जा रहे, अब पान खा रहे थे हम, अबे ढूंढ के ले आते हैं उनको। कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। हाँ चला गया विभू। चाय वाला भैया एक तो चाय बनाइए, हमारी बस आ रही है, शिकारपुर जा रहे हैं। लाइए। अरे 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 ठहर जाओ। अरे जो जो तुमने क्या कर रहा, अरे तुम्हारी ससुर के तुम। अरे एक तो ससुर पहले से मुंह में आवाज नहीं है और केला ठूस ठूस के सारे और बेरो हो जाएगो। अरे यार तुम जो महाराज, अरे दादा जो तुमने का कर डारू यार, एक तो ससुर तुम पहले से ही भूल भुलैया को तोता पाल रखे थी और जो हरकत करके तुमने दूसरी तोता पाल लो है? चलो कचू बात नहीं, चलो तुम्हें हम तुम्हारे गांव की बस में बिठा देते हैं। किस गांव की बस में? अरे बबराले की बस में, और कहाँ। एक्सक्यूज मी हप्पू सिंह जी, मैं कानपुर का हूँ और इसी मॉडर्न कॉलोनी का हूँ, आप मुझे बबराले की बस में क्यों बिठा रहे हैं? यार तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी। मेरी याददाश्त चली गई थी? तुम्हें नहीं पता? अरे महाराज वो अंगूरी भाभी के हाथ से धोखे से जो मोटो हथौड़ा तुम्हारे कहते खोपड़िया पे लग गया, तुम्हारी याददाश्त चली गई। तो आप इस बात का फायदा उठा के मुझे बबराले भेज रहे थे? अरे ना ना, अरे हम तो ऐसे महाराज मजाक कर रहे थे, देख रहे थे कि तुम्हें कछु याद है कि नहीं है। अनु आपको राखी नहीं बांधती जो आप मुझसे मजाक कर रहे थे। और बाय द वे मेरी याददाश्त वापस आ गई। क्या बात कह के चले गई गोरी मैम, अगर हमारे हाथन में राखी बांधेंगी बाकी पहले ससुर हम अपनों कानपुर से ट्रांसफर करवा लेंगे। हेलो अम्मा जी, अम्मा जी हम बहुत उल्टी फील कर रहे हैं। हे भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, आखिरकार तुम अपने बहुरिया का गोदहरी कर ही दिए। हाय दे अम्मा जी वो वाला उल्टी नहीं, हम बहुत शर्मिंदा फील कर रहे हैं। है? तुम्हारा मतलब है कि तुम दुखी फील कर रही हो? सही पकड़े हैं। हाँ बहुत बहुत दुखी है हमरा मन अम्मा जी। काहे बिटिया का हुआ है, काहे दुखी फील कर रही हो? उपाल कुछ बोला है का? नहीं वो कुछ नहीं बोले हैं। तो फिर का हुआ? का है ना अम्मा जी, हम आपकी फोटो दीवार पे लगा रहे थे। हाँ तो हमरे हाथों से हथौड़ा छूट गया और भरभूति जी के सर पे गिर गया और उसके बाद उनकी याददाश्त चली गई अम्मा जी। आहा बहुरिया इतने से बात से परेशान हो रही है। अरे वो नल्ले का जब याददाश्त रहा तब कौन सा गुइया उखाड़ ले रहा था? हैं? नहीं नहीं अम्मा जी, लेकिन आप जानते हैं ना कि हम कितने इमोशनल है। इट्स इमोशनल। सही पकड़े हैं। भरभूति जी, अम्मा जी हम आपको बाद में कॉल करते हैं, अब भरभूति जी आए हैं। ठीक बा प्रणाम। हाँ हाँ ठीक है चलो। क्या कर रहे थे? मसाला पीस रहे। अरे हम तो कहाँ एक्सरसाइज ना कर रहे थे। अब बैठिए बैठिए भरभूति जी बैठिए। थोड़ा भाभी जी का प्यार और सहानुभूति ले लेता हूँ। भरभूति जी, भरभूति जी आप कहाँ चले गए थे? भरभूति जी कौन है? अरे यार भरभूति जी आप है, आपका नाम है। अच्छा मैं कहाँ चला जाता हूँ? मुझे पता नहीं, ये जगह कौन सी है मुझे पता नहीं। अरे यार आपको कुछ समझ में ना ही आ रहा है, हम क्या करें हम। भाभी जी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं मेरे लिए? क्या रिश्ता है आपका मुझसे? क्या आप मेरी मोहब्बत हैं? क्या बोले? नहीं, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं मेरे लिए? क्या रिश्ता है आपका मुझसे? और मैं कौन? आप हमरे नेबर हैं। इस नेबर सही पकड़े हैं। अब भरभूति जी आप बैठिए, हम ना गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं, अभी ले आते हैं। हाँ समोसे, ये क्या होते हैं? खाने की चीज होती है। मुझे लगा कि लगाने की चीज होती है। हम अभी लाते हैं। पार्टी का मजा। भाभी जी कितनी मासूम है, कितना ख्याल रखती हैं अपना। लेकिन यार ये कोई समोसे खाने का टाइम है? तिवारी खाता होगा दिन में समोसे इतनी बार, तभी देखो ना गाल में समोसे, पेट में समोसे, समोसा हो रखा है पूरा। भाभी बड़ी मासूम है। अरे यार इस चिरांद को तो हमने शिकारपुर भेज दिया था, फिर ये वापस कहां से चला आया? और नौजवान ये कहां से आ गया चिरांद? आपको तो हमने शिकारपुर की बस में बैठा दिया था अजनबी, फिर वापस कैसे चले आए? मैं वापस कैसे आ गया मुझे पता नहीं, लेकिन आप कौन है भाई साहब? हम सलमान खान हैं। नाम सुना हुआ लगता है। और मैं कौन? आप गुलशन ग्रोवर हैं। आपको शिकारपुर भेज दिया था, याद है? तो चलिए अब शिकारपुर जाइए, चलिए अब हो गया, बहुत हो गया, चलिए शिकारपुर जाइए। जगह कुछ पहचाने भी से लगती है मुझे। अरे ये मंदिर, ये स्टेयरकेस, ये बड़ा सा दरवाजा। इस जगह से और इस शहर से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप निकलिए यहाँ से, चलिए जाइए शिकारपुर जाइए यार। अरे यार बड़ा ढीठ आदमी है तू। चल चलो शिकारपुर चलो, छोड़ के आना पड़ेगा। चलिए आइए चलिए ना, क्या कर रहे आप? ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी हम नहीं, बदतमीजी आप कर रहे हैं दूसरों के घरों में घुसकर। हमने आपको कहा था ना आप शिकारपुर के हैं, तो जाइए ना शिकारपुर। चलिए हम आपको बस में बैठा के आते हैं शिकारपुर की। आइए चलिए आओ, चलो हम कह रहे हैं आओ। अरे कह रहे हैं ना चलो आओ। क्या है? कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? हा? हम नहीं जाने देंगे तुम्हें, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बता रहे हैं बिल्कुल नहीं जाने देंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? विभू, अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। देखिए ना भाभी जी कहाँ भटक रहे हैं। हाँ हम अभी ना ढूंढ कर ला रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, he's lying। ये तो मुझे शिकारपुर भेज रहे थे। क्या शिकारपुर? ये कह रहे थे कि मेरा घर शिकारपुर में, मुझे वहां जाना चाहिए, तो मुझे शिकारपुर भेज रहे थे। अरे तिवारी जी आप ऐसा क्यों कर रहे थे? क्यों भेज रहे थे उनको शिकारपुर? भाभी आप कैसी बातें कर रही है? अरे इनकी यादाश्त चली गई है, इसलिए तो इतनी बहकी बातें कर रहे हैं भाभी जी। यादाश्त गई है, दिमाग खराब नहीं हुआ है। और मुझे ढूंढ के लेके नहीं आए हैं ये, बल्कि मैं खुद यहाँ पर आया। और एक बार तो उन्होंने मुझे शिकारपुर की बस में बिठा भी दिया था इन्होंने, ये ज़बान। तिवारी जी आपकी ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? आपको पता है ना मैं विभू की वजह से कितनी परेशान हूँ, आपने इस बात की जरा भी फिक्र नहीं की। भाभी जी अरे लेकिन आप क्यों भेजना चाहते हैं विभू को शिकारपुर? क्यों आखिर क्यों? जानना चाहती हैं आपने, हमने क्यों इन्हें शिकारपुर भेजा? जाना चाहती है। हम इन्हें शिकारपुर ले जा रहे थे क्योंकि वहां पर एक बहुत ही मशहूर वैद्य रहते हैं, चाल के उनके पास ले जा रहे थे। वो इसीलिए आप इनको शिकारपुर भेजना चाह रहे थे? जी ये बात है, लेकिन आपने नहीं सुनी। तिवारी जी सॉरी, आई एम सॉरी तिवारी जी, मुझसे गलती हो। घर जाने दो विभू, चलो 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 घर चलते। किसके घर चलते हैं? अरे अपने घर चलते। और आप कौन? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, बीवी। और मैं कौन? भगवान तुम पति हुए ना मेरे। अच्छा तुम घर चलो, मैं तुम्हारी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करती हूँ। बुरा साथ नहीं गया। कौन है ये? ये मोहल्ला कौन सा है? चलो। हाँ, ये घर किसका है? और तुम इतनी गोरी क्यों हो? तुमने लाल लिपस्टिक क्यों लगाई हुई है? अगर आप खाने का ऑर्डर दे रही हैं तो मेरे लिए चिकन तंदूरी मंगा लीजिएगा, मेरी फेवरेट डिश है। आई लव चिकन तंदूरी। खाने का ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। और बाय द वे तुम्हें चिकन तंदूरी तो बहुत अच्छे से याद है, अनु याद नहीं है तुम्हें? अनु कोई डिश है? अनु तुम्हारी बीवी। कौन है मेरी बीवी? विभू तुम्हारे सामने बैठी हूँ मैं तुम्हारी बीवी, मैं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। I just lost it, I guess. क्या करूँ विभू, प्लीज प्लीज कुछ तो याद करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। विभू तुम्हें याद है जब तुमने मुझे पहली बार प्रपोज किया था, घुटनों पर बैठ के तुमने मुझे गुलाब का फूल दिया था। फूल दिया था? हाँ। और याद है जब तुम मुझे प्रपोज कर रहे थे ना बड़े रोमांटिक तरीके से, उसी वक्त मेरे डैडी और भैया आ गए थे। फिर क्या, डैडी और भैया ने तुम्हारी बहुत कुटाई की। क्या कुटाई की तुम्हारी! और पापा ने तो तुम्हारे मुंह पर कीचड़ भी मल दिया था, बदबूदार कीचड़। अगर घटनाएं इस पुअर क्वालिटी की होंगी तो आदमी उसे भूलना चाहेगा। आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं, ये भी तो पूछो कि आगे क्या हुआ। क्या हुआ आगे? मैंने बहुत प्यार से दुपट्टे से तुम्हारा मुंह पोछा, सारी कीचड़ साफ की, और उसके बाद अपने डैडी से कहा, डैडी मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विभू से करूंगी वरना नहीं करूंगी। ये तो गलती कर दी आपने। आपको अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए थी। हे भगवान, मैं तुम्हारी याददाश्त वापस ही नहीं ला सकती। कोशिश भी मत करिए। पता नहीं किसका बेड है और मैं क्यों बैठा हूँ इस बेड पे, और मुझे नींद आ रही है। आई वांट टू स्लीप। आप कहाँ सोएंगी? नीचे? यहीं पर अपने बिस्तर पर। अगर आप यहीं सो रही हैं तो प्लीज चिपकिएगा मत, वरना खामखा मैं भी चिपक लूंगा। भाभी जी सोते हुए कितने मासूम, कितनी हसीन लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही अच्छी नस्ल की भूरी हिरनी दिन भर की थकावट के बाद चूर होके पस्त पड़ी है, सो रही है। एक बेढंगे बैल के साथ। हुआ लड्डू के भैया। भभूति जी, ये क्या बदतमीजी है भभूति जी? मैं कहाँ हूँ? आप गुइया के खेत में हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, ये गुइयों का खेत नहीं है, ये किसी का बेडरूम है। लेकिन ये बेडरूम जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आप हमारी बैंड बजाने आए हैं। के भैया काहे भभूति जी पे गुस्सा हो रहे हैं, उनकी याददाश्त चली गई है ना। अरे याददाश्त चली गई है तो हमारा बैंड बजाने क्यों चले आई है? हमारी वजह से गई है ना उनकी याददाश्त, हम जिम्मेदार है ना। ये मोहतरमा कौन है? ये मोहतरमा आपकी अम्मा है। तो काफी जवान है, हमारी अम्मा कैसे हो सकती है? पर हमें लग रहा है कि आप इनके पिताजी हैं।